नमस्कार, मैं एस आलम। मैं हमेशा ही हिंदी बंगाली में वीडियो बनाता हूँ, बट आज पहली बार मुझे लगा कि मैं आज जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो सबके लिए चाहिए, तो हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ। तो जो मेरे बंगाली दोस्त हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को तो हिंदी आता है, थोड़ा इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। आज मैं प्रिंस हॉलमार्किंग और नाकोडा हॉलमार्किंग, इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं आपको बताना, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हॉलमार्किंग। आज मैं आपको हॉलमार्किंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि अभी हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने जा रहा है, लेकिन हॉलमार्किंग के बारे में ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे रिटेलर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, उनको बहुत कम जानकारी है और पब्लिक को भी काफ़ी कम जानकारी है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी आज देना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो में, जो कि आपके व्यापार में, बिजनेस में आपको फायदा दे और आपको आने वाले समय में हॉलमार्किंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर रहे वो यहाँ पे आपको मौजूद मिले, आप वापस देख सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं BIS हॉलमार्किंग, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ज्वेलरी का हॉलमार्किंग होता है। ये हॉलमार्किंग आया क्यों, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। 1990 से 95 के बीच ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या BIS ने इंडिया में सर्वे किया और उन्होंने काफ़ी ज्वेलर से सैंपल उठाया ये चेक करने के लिए कि जो ज्वेलर्स बोल रहे हैं कि ये इतना प्योरिटी है, वो प्योरिटी सही में उतना है या नहीं है। जब इस प्योरिटी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने चेक किया, तब देखा कि 90% जो बोल रहे रिटेल ज्वेलर्स और जो रिजल्ट आ रहे हैं 90% फेल है, मतलब ज्वेलर्स पब्लिक को ठग रहा है। तो पब्लिक को ठग रहा है मतलब इसी गवर्नमेंट को पब्लिक टैक्स देता है, पब्लिक के हित की रक्षा करना ये गवर्नमेंट की दायित्व बनता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट खोल के रखा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब इंडिया में जो भी माल बिकेगा वो क्या प्रमाण बिकेगा, क्या शुद्धता होगा, कैसा होना चाहिए, वो दिशा निर्धारण करेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने तब सोचा कि हॉलमार्किंग के ऊपर हमें कुछ करना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने 2000 साल में अप्रैल महीने में उन्होंने एसिंग एंड हॉलमार्किंग का एक सिस्टम लाया कि उन्होंने पहले ये सोचा कि मैन्युफैक्चरर माल बनाएगा और ट्रेडर ज्वेलरी ट्रेडिंग करेगा, रिटेलर सोना को बेचेगा, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि ये सोना कितना शुद्ध है, सोना कितना शुद्ध है, कितना प्योरिटी है, वो एक ही लोग बोलेगा, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब गवर्नमेंट बोलेगा कि ये सोना कितना प्योरिटी है। बट गवर्नमेंट के पास पूरा इंडिया का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ चैनल पार्टनर बनाता हूं, अगर आप मेरे लिए काम करना चाहते हो तो आप अपना फर्नीचर, आपका जो मेरा क्राइटेरिया का पूरा करिए, तो मैं आपको रिकग्नाइज करूंगा एसिंग एंड हॉलमार्किंग करने के लिए। तो इसी से आया BIS रिकग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। तो 2000 में BIS ने एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का काम पब्लिक को दिया रिकग्नाइज के जरिए, बट कंट्रोल, क्योंकि रिकग्नाइज का मतलब है
मेरा काम आप कर रहे हो तो कंट्रोल मेरा रहेगा और आप मेरे काम करोगे। तो जितने भी आज इंडिया में हॉलमार्किंग सेंटर है, आप सोचिए इसका कोई ये मालिक है, लेकिन इसका रिकॉग्नाइज जो है कंट्रोलिंग पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो एसएनएन हॉलमार्किंग लाइसेंस रिकॉग्नाइज दिया और जो बेचना चाहते हॉलमार्किंग ज्वेलरी तो उनको बोला कि भाई आप मेरे से लाइसेंस लो और आप अपने अपने दुकान में बोर्ड लगाओ कि मैं हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना चाहता हूं। यहीं से शुरू हुआ 2000 में हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचना। तो जो लोग कॉर्पोरेट थे या समझदार थे उन्होंने इसको जल्दी जल्दी अपना लिया और उन्होंने अपना दुकान में ब्रांड लगा दिया कि भाई हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचता हूं मैं। तो पब्लिक को क्या हुआ कि इनके ऊपर ज्यादा बिजनेस होना शुरू हुआ। और आज जो देखिए जो कॉर्पोरेट हाउसेस है जितने जिनका भी 10 से लेके 50 200 तक रिटेल शोरूम है, इन सब ने शुरुआत में 1-2-5 शोरूम था लेकिन इन सब ने हॉलमार्किंग का लाइसेंस लिया। इनके लिए इसी के लिए इनका बिजनेस काफी तरक्की हुआ, काफी बड़ा और कस्टमर इनके ऊपर बिलीव किया। लेकिन जो जिनके अंदर चोरी करने का भावना है, जो कस्टमर को ठगना चाहते उन्होंने वो सोचा कि मैं लाइसेंस नहीं लेता हूं या मैं लाइसेंस लूंगा तो गवर्नमेंट मेरे को पूछेगा ये वो, मैं जवाब किसी को दूंगा नहीं, उनका बिजनेस धीरे धीरे खराब होता गया। और उसके बाद 2009 में गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट लाया, फिर दूसरा एक अमेंडमेंट लाया, फिर 2016 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर और एक अमेंडमेंट लाया, मतलब लॉ लाया इस हॉलमार्किंग को करने के लिए। और आखिर में उन्होंने गवर्नमेंट ने इस हॉलमार्किंग को माइनॉरिटी करने के लिए पार्लियामेंट ने में इस एक बिल रखा कि कानून बनाने के लिए, और 12 अक्टूबर 2017 को 17 को यह बिल पास हो गया। बट हमारे देश में गवर्नमेंट का काम जो है वो काफी स्लो है और बीएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, इसके लिए धीरे 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 करते करते आखिर में ये अनाउंसमेंट हुआ। जो लास्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं दे रहा हूं, 1 जून 2021 को गवर्नमेंट हॉलमार्किंग को मॉनिटरी करने जा रहा है। तो आप समझिए कि जून महीने 2021 से हॉलमार्किंग मॉनिटरी हो जाएगा, मतलब इंडिया में आज करीबन जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको हॉलमार्किंग की लाइसेंस लेनी पड़ेगी तभी वो सोना बेच पाएगा। इसके साथ मैं आपको और कुछ विशेष जानकारी देता हूं, जैसे हॉलमार्किंग आज के दिन में इंडिया में नियर अबाउट 933 एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है और 29,610 आज के दिन में हॉलमार्किंग शोरूम लाइसेंस है, मतलब ज्वेलर्स के पास 29,610 ज्वेलर्स के पास हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचने का लाइसेंस है। ये छोड़ के सिल्वर ज्वेलरी बेचने के लिए के लाइसेंस ज्वेलर्स के पास 2826 लाइसेंस है। और इसके साथ आपको गवर्नमेंट ने काफी अमेंडमेंट के बाद लास्ट में जो निर्धारण किया कि कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर या कोई ज्वेलर्स तीन ही कैटेगरी का ज्वेलरी हॉलमार्किंग कर सकते या हॉलमार्किंग बेच सकता है, जो कि 22 करेट 916, 18 करेट मतलब 750 और 14 करेट मतलब 585 का। इसके साथ सिल्वर में भी 6 प्योरिटी का सिल्वर हॉलमार्किंग हो सकते हैं या बेच सकते हैं रिटेलर, जो कि 800 मतलब 800 प्योरिटी का सिल्वर, 835 प्योरिटी का सिल्वर, 900 प्योरिटी का सिल्वर और 925 प्योरिटी का सिल्वर और 99.0 प्योरिटी का सिल्वर। और
आप लोग जानते होंगे कि हॉलमार्किंग में प्राइस कितना लगता है। तो गवर्नमेंट ने जो निर्धारण किया है कि 35 रुपया प्लस जीएसटी, बट 5 पीस तक आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा 200 रुपया प्लस जीएसटी। ये गवर्नमेंट का फिक्स रेट है हॉलमार्किंग के लिए। और सिल्वर हॉलमार्किंग के लिए 25 रुपया प्लस जीएसटी और 150, और मिनिमम फीस जो है 150 रुपया प्लस जीएसटी का। और अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लाइसेंस, अगर कोई ज्वेलर्स लाइसेंस लेना चाहता है तो ऑनलाइन लाइसेंस का भी पाबंद किया है। तो ये बेसिक जानकारी है हॉलमार्किंग की। ये छोड़ के मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंस हॉलमार्किंग और सेंटर और नाकोड़ा हॉलमार्किंग सेंटर, जो कि प्रिंस हॉलमार्किंग रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी है, हम बीएस रिलेटेड या हॉलमार्किंग रिलेटेड कोई भी चीज है, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8420770000 और 9007010750 या 9903100096। आप इस नंबर से, आपको कोई भी जानकारी है प्रिंस हॉलमार्किंग, नाकोड़ा हॉलमार्किंग आपको जानकारी देगी। जो भी आपकी क्वारी से, चाहे न्यू लाइसेंस रिलेटेड हो, चाहे ओल्ड लाइसेंस जो है आपको रिन्यू करने उसके रिलेटेड हो, या बीएस जब आपकी दुकान में सैंपल उठाता है, वो सैंपल आपको कैसे रिकवर होगा या कैसे आप तक मिलेगा, इस रिलेटेड हो। ये छोड़ के भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के दिन में लगभग हॉलमार्किंग जो हो रहा है वो इंडिया के जो सेलिंग के हिसाब से काफी हॉलमार्किंग नहीं हो रहा है, मतलब फेक हॉलमार्किंग के काफी सेंटर खुल गया है और काफी सेंटर विदाउट प्रोसेस फॉलो किए हुए हॉलमार्किंग करते हैं। आप बोलेंगे कि हॉलमार्किंग में प्रोसेस कैसे होता है या फेक हॉलमार्किंग कैसे होते, मैं कैसे पकड़ूंगा। उसके लिए मैंने मेरा फेसबुक में इस वीडियो के नीचे दो वीडियो, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में डिटेल में मैंने डाला हुआ है कि कैसे प्रोसेस होता है हॉलमार्किंग का, पूरा प्रोसेस जानने के लिए। अगर आपको पूरा हॉलमार्किंग रिलेटेड पूरा प्रोसेस जानना है तो मेरा फेसबुक में हमारे कंपनी के द्वारा बनाया गया ये वीडियो बना रखा हुआ है मेरे फेसबुक में, हिंदी और इंग्लिश में। या तो आप यूट्यूब में जाके हॉलमार्किंग डेमो वीडियो आप अगर सर्च करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो मिलेगा, वो भी हमारा कंपनी का ही बनाया हुआ है। आज के दिन में लगभग 2018-19 का जो गवर्नमेंट का डाटा है, लगभग 4.5 करोड़ पीसेस हॉलमार्किंग ऑफिशियली हुआ है। और 2019-20 का डाटा अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है, बट अगर देखा जाए पीस वाइज तो लगभग इंडिया में जितने ज्वेलरी बिकता है उसका 1/3 ऑफिशियल हॉलमार्किंग हुआ है, और मतलब 2/3 ऑफिशियल हॉलमार्किंग नहीं हुआ या तो बिना हॉलमार्किंग के बेचा हुआ है। बट आज के दिन में बहुत सारे हॉलमार्किंग सेंटर, रिटेलर या ट्रेडर्स, वो लोग 1 घंटे में आधा घंटे में हॉलमार्किंग चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर हॉलमार्किंग पूरा प्रोसेस के साथ किया जाए तो लगभग 4 से 6 घंटा लगता है। और ये प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मेरा जो दूसरा वीडियो है मेरे फेसबुक में, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
कुछ लोगों के लिए हॉलमार्किंग एक स्टैम्प है या काला दाग है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपने एक रिटेलर से, होलसेलर से माल खरीदा या मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा, आपने दो नंबर से हॉलमार्किंग करा लिया, करा के आपने बेच भी दिया। देखिए, मैन्युफैक्चरर का कोई नुकसान होगा नहीं, ट्रेडर का कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन जो रिटेलर है उनका नुकसान होगा। अगर वही सोना दूसरे जगह चेकिंग होता है और फॉल्ट होता है, मतलब डिफेक्ट आता है, तो उस ज्वेलरी को बेचने के लिए आपने जितने भी वेस्टेज और मजदूरी लिया है उसका 3 गुना पेनल्टी गवर्नमेंट का निर्धारण किया हुआ है। क्लाइंट आपको आके मांग सकता है और आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो कंज्यूमर कोर्ट के में जाएगा तो उनको मिलेगा। और कंज्यूमर को यह प्रायोरिटी दिया गया कि कंज्यूमर जाके 900 जो समथिंग जो हॉलमार्किंग एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है, कहीं भी जाके ज्वेलरी को चेक कर सकते कि आपने सही हॉलमार्किंग किया गलत हॉलमार्किंग किया। तो इसमें क्या होगा कि आपने तो गलत हॉलमार्किंग पटापट करके स्टैंपिंग करके ले लिया, लेकिन आपका जो सालों से बनाया हुआ दुकान है या पेड़ी है या शोरूम है, जो उसका गुडविल है, वो एक मिनट में खराब हो सकता है कि आपने अगर गलत सोना या गलत हॉलमार्किंग करके माल बेचा। तो इसीलिए मैं सारे रिटेलर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला समय में आप सही हॉलमार्किंग करिए और पूरा प्रोसेस के साथ हॉलमार्किंग कराइए। इसमें फायदा सबसे ज्यादा आपको ही है। जैसे पहले पहले कॉर्पोरेट हाउस लोगों ने या बड़े रिटेलर ने यह समझ गया था कि हॉलमार्किंग में आप उनका धंधा बड़ा होगा, तो उन्होंने हॉलमार्किंग लाइसेंस तुरंत ले लिया था। आज देखिए उनका बिजनेस कितना बढ़ गया। वो लोग चोरी में बिलीव नहीं किए, वो लोग ऑनेस्ट में बिलीव किए या विश्वास कस्टमर को बिलीव किए, विश्वास कैसे होगा उसके ऊपर काम किए। और आप लोग अगर उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो एक दिन आप देखिएगा जो छोटे दुकानदार है उनका बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट हाउस में। तो आपको स्टैंपिंग कहीं से भी हॉलमार्किंग करा ले, लेजर मार्किंग करा ले, तो लेजर मार्किंग में हॉलमार्किंग होता नहीं है और चेकिंग नहीं होता, तो आपका दुकान का बदनामी होगी, आपका बदनामी होगी। और लोग, ये कस्टमर आज बहुत जागरूक हो गया। कस्टमर, एक कस्टमर 20 जनों को बोलेगा भला भाई उस दुकान में गलत सोना बिकता है, उस दुकान से मत खरीदो या उस दुकान में मत जाओ। क्योंकि आप कितना भी एडवर्टाइज कर लो, कितना भी पोस्टर लगा लो, कितना भी बैनर लगा लो, मॉक पब्लिसिटी जो है वो सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। तो एक कस्टमर अगर एक कस्टमर को बोलता है तो उसमें विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग देखे हुए कभी काफी बार कि हमने फिल्म देखा, हमको बहुत अच्छा लगा और हमने आके दूसरे किसी को बताया, यार वो फिल्म बहुत अच्छा था देख क्या, तो वो उसको अगर मन भी नहीं होता फिर भी वो जाते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजिंग होता है वो है माउथ पब्लिसिटी। और माउथ पब्लिसिटी तब कोई कस्टमर करता है जब उसको बेस्ट इन मतलब उसको उसके साथ हुआ आप व्यवहार करो, उसको बेस्ट सर्विस दो और उस वो आपके दुकान से जो भी माल खरीद रहे उसको विश्वास हो कि आपने उसको सही चीज दिया है, आपने उसको ठगा नहीं। अगर उसको इतना विश्वास हो जाएगा तो देखिएगा आने वाले समय में एक कस्टमर आपके दुकान में 20 कस्टमर भेजेगा, तो आपका दुकान तरक्की करेगा। और अगर जिन लोगों ने भी अभी तक हॉलमार्किंग का BIS का लाइसेंस नहीं लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी गवर्नमेंट ने काफी सस्ता कर दिया हॉलमार्किंग लाइसेंस और काफी सरल कर दिया प्रोसेस। अभी आप ऑनलाइन में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते और ऑनलाइन ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज तुरंत जितना जल्दी हो सकता है तुरंत आप हॉलमार्किंग का लाइसेंस लीजिए। और मैं ट्रेडर मेरे बंधु को मैं बताऊंगा और मैन्युफैक्चरिंग मेरे जो बंधु है मैं उनको बोलूंगा, देखिए आज मैंने 2 कारीगर से लेके काम शुरू किया था, आज मेरा पूरा इंडिया भर में काम है, काफी काम है मेरे पास। ये इसका एक ही कारण है कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। कभी भी गलत करके कोई बड़ा कंपनी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और
मैं ट्रेडर के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही सोना देंगे तभी आपका हॉलमार्किंग पास होगा। आप कुछ पैसा बचाने के लिए या कुछ पॉइंट बचाने के लिए आप नाइटेक प्योरिटी का रिफाइनरी सोना लेके आप कारीगर को दे देते हो, या पाउडर मिला हुआ सोना कारीगर को दे देते हो, या स्मगलिंग का सोना पाउडर मिला हुआ सोना को आप सस्ते में खरीद के कारीगर को दे देते हो। आप सोचते हो कि भाई मैंने तो सोना एक हाथ से लिया एक हाथ को दे दिया। देखिए कारीगर का कोई घर में कोई खजाना सोने का खजाना नहीं है। आप जो सोना देंगे उसी सोना से वो ज्वेलरी बना के आपको देगा। अगर आपने पहले कंप्रोमाइज किया उसी सोना से वो ज्वेलरी बना के देगा तो आपका ज्वेलरी कभी भी सही प्योरिटी नहीं रहेगा। उसको सही हॉलमार्किंग किया जाएगा तो वो हॉलमार्किंग कभी पास नहीं होगा। तो कारीगर लोगों को बताता हूं इसीलिए हॉलमार्किंग फेल होता है। और हॉलमार्किंग कैसे पास होता है कैसे फेल होता है मेरा जो वीडियो उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगा। बट जब भी आप सोना लेते हो कारीगर लोग मैं उनको बताऊंगा कि आप सही सोना लो और सही मेल्टिंग करो तभी आपका हॉलमार्किंग सही हॉलमार्किंग होगा तो पास होगा। और मैं मेरा ट्रेडर लोगों से होलसेलर लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर ऐसे भी हम ज्वेलरी लोग ज्वेलर्स लोग या ज्वेलरी बिजनेसमैन बदनाम है। आप लोग कुछ पैसा बचाने के लिए कुछ मुनाफा बढ़ाने के लिए आप गलत सोना मत लीजिए। 90% रिफाइनरी मत किसी से एक्सचेंज कराइए करिए और 90% से अपने ज्वेलरी मत बनाइए। और कुछ पैसा बचाने के लिए गलत सोना मत लीजिए और गलत सोना कारीगर को मत लीजिए क्योंकि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कारीगर लोगों के लिए भी आपको सोचना क्योंकि वो आपके आप उसके माए बाप हो। आपके वजह से उनका पेट चलता है उनके पास जो लेबर है उनका पेट चलते है उनका बीवी बच्चों को खाना मिलता है। तो आप लोग अगर उनको रहम नहीं करोगे उनके साथ सही चीज उनको देंगे नहीं वो कहां से घर वो सही ज्वेलरी बनाएगा। या तो दो नंबर ही करेगा और या तो गलत हॉलमार्किंग पास होगा। तो इसमें ये सबका नुकसान है। तो मैं आप लोगों को मेरी जो जिम्मेदारी है इंडिया के लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप होने के तहत मैं आप लोगों को ये बेसिक जानकारी दिया। अगर आप लोगों को लगता है मेरा ये वीडियो सही में आपका उपकार दे रहा है या देगा तो आप अपना इस वीडियो को और अपने ज्वेलरी बंधु को शेयर करिएगा और उनको भी बताइए उनको देखने के लिए बोलिए और उनको भी सही रास्ते में आने के लिए बोलिए ताकि हमारे जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर एक काले बादल छाया हुआ है कि धीरे धीरे बहुत सारे कारण से एक कोविड के कारण से दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण से तीसरा सोने का रेट बढ़ने के कारण से ज्वेलरी के बिजनेस जो धीरे धीरे कम हो रहा है। और 20-30 सबसे बड़ा कारण है कि सोने के ऊपर लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। हम सब मिलकर अगर इस विश्वास को बढ़ाएंगे और हम कोई भी गलत माल नहीं बेचेंगे गलत माल नहीं बनाएंगे गलत हॉलमार्किंग नहीं करेंगे तो आज जो हमारा इंडस्ट्री का तकलीफ है इतना कम काम हो रहा है काम धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद हो सकते कुछ सालों के अंदर हॉलमार्क ज्वेलरी के इंडस्ट्री काफी काम बढ़ जाए या बिजनेस बढ़ जाए। इसमें हम सब की तरक्की होगी हम पूरे इंडस्ट्री की तरक्की होगी हम सब की भलाई होगी। तो मैं मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी के साथ मैं आप सबको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं SS आलम धन्यवाद।